देखो व्यूअर्स, आज 8 तारीख है मार्च की और मंडे का दिन है, लेकिन आज पता नहीं क्यों ऐसी अनएक्सपेक्टेड बर्फबारी शुरू। तो ये सीज़न तो अब चेंज हो रहा है, अब इतनी देर तक नहीं चलेगी ये स्नोफॉल, लेकिन आज है काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। पिछला एक हफ्ता तो बहुत मौसम गर्म था, खासा गर्म था, तो काफ़ी स्नो मेल्ट हो गया था, लेकिन आज अनएक्सपेक्टेडली पता नहीं क्यों शुरू हो गई है बर्फबारी। बहरहाल ये मेरा ख्याल है कि कुछ आखिरी झटके लग रहे हैं स्नोफॉल के और ज़्यादा देर नहीं चलेंगे। तो बहरहाल मेरा जो है ना, अब ये गीला होना शुरू हो गया, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे ये टोपी ले लेनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक ठाक है बर्फबारी। अभी तो 2 घंटे में ये सारा मामला सफ़ेद हो जाएगा। अब देखें कितनी देर तक ये चलती है। ज़बरदस्त बर्फबारी, वॉक इन द स्नो, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। काफ़ी दिनों से मैं वेट कर रहा था कि बर्फबारी हो, मैं इसमें वीडियो कैप्चर करूं, और आप देख रहे हैं मेरे साथ साथ आतिफ भी वॉक पे लिए निकला हुआ है, तो ही इज़ ऑल्सो इन्जॉइंग और बहुत मज़ा आ रहा है जी, ज़बरदस्त। थोड़ी देर में अब जो सड़कों पे और वॉकवे पे जो बर्फ़ पिघल गई थी, वो थोड़ी देर में फिर ये सारा सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पिछले 15-20 दिनों से खासा टेम्परेचर बहुत ज़बरदस्त चल रहा था बहुत, लेकिन आज कुछ सरप्राइज मिल रहा है हमें और बर्फ़बारी जो है ना एकदम से शुरू हो गई है। तो देखें कब तक चलती है। अभी तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा गिरा नहीं है, लेकिन सर्दियों में टेम्परेचर अच्छा खासा नीचे चला जाता है और कभी कभार तो -35, -40 तक भी चला जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है कि आप स्लिप ना हो, तो अपने शूज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप बंदा स्लिप हो जाता है तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि कोई चीज़ डैमेज हो जाए बॉडी में, तो दैट इज़ वन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टिप कि जब भी आप लोग विंटर में चलें वॉक करें तो अपने शूज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि स्नो जब जम जाती है तो वो खासी जो है ना वो स्लिपरी हो जाती है और उसमें चलना जो है ना मुश्किल होता है, इसलिए चाहिए होता है कि एहतियात से बंदा चले आराम आराम से। और दूसरा ये कि अपना जो विंटर गियर है उसका ख्याल रखना चाहिए, आपका कोट ऐसा हो कि उसकी स्पेसिफिकेशंस जो है ना वो ऐसी हो कि यहाँ के विंटर को बर्दाश्त कर सके। तो नॉर्मली जो कोट्स वगैरह यहाँ चलते हैं, जैकेट्स, उन पे लिखा होता है कि इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, ये -20, -30,
और इवन अप टू -50 डिग्री तक उसकी रेटिंग होती है। तो उसमें अब जिस तरह जो जैकेट मैंने पहना हुआ है, इसकी रेटिंग है -50 डिग्री तक। तो -50 तक अगर मैं इसको पहनूं तो आई डोंट फील एनी कोल्ड और एनीथिंग, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग गोज़ नॉर्मल। मैं उसमें 1 घंटा 2 घंटे भी बाहर रहूं तो इट्स ओके फॉर मी। इसके अलावा अपना जो कैप है आपका, इस तरह ये मैंने पहना हुआ है, इसका ज़्यादा ख्याल रखें कि आपका सर जो है ना वो गर्म हो, वुलन कैप आप पहने ताकि आपका जो दिमाग है वो गर्म रहे इट नॉर्मल टेम्परेचर, और उसको ठंड ना पहुँचे, क्योंकि ये दिमाग जो है ना आते फांस रहा है। ये जो दिमाग है ना, इट्स लाइक द CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और आतिफ को ज़्यादा पता है, ही इज़ अ न्यूरो साइंटिस्ट माशाल्लाह। ये इसका इंट्रोडक्शन मैं करवाऊँ, ये मेरा बेटा है, बड़ा बेटा, और इसको मैं गुरु बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। गुरु नॉट इन द सेंस कि वो बड़ा बूढ़ा है, और लेकिन ही इज़ अ PhD इन न्यूरो साइंस अल्हम्दुलिल्लाह, एंड ही नोज़ वेरी वेल अबाउट द ब्रेन एंड द नर्वस सिस्टम। तो मैं ये कह रहा था कि आप अपना जो ब्रेन है, दिमाग, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखने की कोशिश करें, वो ज़्यादा सर्दी में वो उसको कोई डैमेज ना हो। उसके अलावा जो है ना वो आप अपने गारमेंट्स जो है ना, जितने लेयर्स, ज़्यादा लेयर्स हों उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे आपका बॉडी जो है ना वो प्रोटेक्टेड रहता है। फिर अगर आप ऐसे मौसम में जा रहे हों कि वहाँ पे स्लिपरी आइस ज़्यादा है, तो उसके लिए शूज़ के नीचे एक मिलते हैं, सोल्स मिलते हैं, जिसमें लोहे के कील्स होते हैं, तो वो अगर आप लेके चलें और वॉक करें तो वो बहुत ज़्यादा सेफ़ होता है, और उसमें आपको कोई फिसलने की डर नहीं होती। तो दैट्स ऑल आई वांटेड टू टेल यू फॉर टुडे, और बाकी तो नॉर्मल चीज़ें हैं कि अपना जुराब जो है ना, गर्म जुराब पहनने हैं, और ये सारी चीज़ें। इसके अलावा ग्लव्स, इस वक्त टेम्परेचर इतना नहीं है तो आई एम विदाउट ग्लव्स, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाए तो यू नीड टू हैव ग्लव्स। और ग्लव्स में भी फिर मुख्तलिफ वैरायटी होती है कि आप अगर बहुत ज़्यादा देर तक आपका प्रोग्राम है बाहर रहने का, तो उसके लिए ठीक ठाक गर्म किस्म के आपको ग्लव्स पहनने की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ तो आप अगर नॉर्मल ग्लव्स पहन लें तो उससे भी गुजारा हो जाता है। तो इस वक्त हम अपने नेबरहुड के करीब, हमारा एक वॉकिंग ट्रैक है जिसमें नॉर्मली हम लोग वॉक पे निकलते हैं, और आतिफ तो खैर बहुत रेगुलर है, ही डेली कम्स, इवन अगर स्नो हो या कोई भी सिचुएशन हो, ही रेगुलरली कम्स आउट फॉर ए वॉक। और मेरा ये होता है कि समर में तो रेगुलर होता है, लेकिन विंटर में फिर कभी कभार थोड़ा सा मैं बीच में फर्लू मार लेता हूँ, तो फर्लू करके छुट्टी कर लेता हूँ, लेकिन नॉर्मली दिस इज़ अ रूटीन कि हम लोग बाहर निकल के इस वॉकिंग ट्रैक के ऊपर हम लोग वॉक करते हैं, और 3-4 चक्कर लगाने के बाद कोई 3-4 किलोमीटर के लगभग का हमारा जो है ना वॉक पूरा हो जाता है। तो आज काफ़ी दिनों के बाद बर्फ़बारी भी शुरू हो गई, तो मैंने सोचा चलो बर्फ़बारी का भी थोड़ा सा आप लोगों को शेयर करवा लूँ कि कैसे चलता है। तो मेरा ख़्याल है आज के लिए ये बहुत है, और अब आप इंजॉय करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिए, अल्लाह आप सबको अपना हिफ्ज़ अमान में रखे, और अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की खुशियाँ अता करे, और इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।
उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।